हाय गाइस, ये आइसक्रीम दिखने में काफी यमी लग रही है ना। ये है डाइट फ्रेंडली सुपर हेल्दी चॉकलेट आइसक्रीम। इस आइसक्रीम के एक स्कूप में सिर्फ 100 कैलोरीज है। अगर आप डाइट पे हैं और आप वजन लूज करना चाहते हैं लेकिन आपको आइसक्रीम्स और डिजर्ट्स खाना काफी अच्छा लगता है तो ये आइसक्रीम परफेक्ट है आपके लिए। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स से बनी हुई है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है रोल्ड ओट्स। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे नट्स, काजू और बादाम, दोनों कंबाइंड मैंने लिए हैं। आइसक्रीम को मीठा करने के लिए हम यूज करेंगे सॉफ्ट डेट्स। इसके अलावा चॉकलेट ही बनाने के लिए कोको पाउडर और डार्क चॉकलेट। मेक श्योर आप बहुत ही अच्छी डार्क चॉकलेट यूज कर रहे हैं। अब क्योंकि ये आइसक्रीम है तो ऑब्वियसली इसमें मिल्क होगा। मैं इसमें नॉर्मल रेगुलर काउ मिल्क यूज़ कर रही हूँ। आप इसके अंदर सोए मिल्क, आमंड मिल्क कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब दूध के अंदर हमें ओट्स, नट्स, कोको पाउडर और डेट्स को डाल के सोक करना है एटलीस्ट आधे घंटे के लिए। ये जो स्टेप है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस स्टेप के दौरान जो नट्स है वो मिल्क को अब्सॉर्ब कर लेंगे और साथ ही साथ जो ओट्स है वो हाइड्रेट हो जाएगा और मिल्क को अब्सॉर्ब कर लेगा। मैंने इस रेसिपी के लिए डेट्स यूज़ किए हैं लेकिन आप इसे थोड़ा और मीठा बनाने के लिए स्टीविया या फिर कोई भी नेचुरल स्वीटनर, जो भी आपको अच्छा लगे वो डाल सकते हैं। स्टीविया अगर आप थोड़ा सा डालेंगे तो इसकी स्वीटनेस और भी ज़्यादा एनहेंस हो जाएगी। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स को करीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट करना है। आधे से एक घंटे के लिए रेस्ट करना ही है, ये स्टेप को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कीजिएगा। इसके बाद अब आधे घंटे के बाद मैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स को पीस के एकदम एक स्मूथ सा बैटर, मिक्सचर, आप कुछ भी बोल लीजिए, बेसिकली हमें इसे स्मूथ सा पीसना है। तो यहाँ पे मैं इसे पीस रही हूँ। जस्ट मेक श्योर कि ये बिल्कुल सुपर स्मूथ हो जाए। जो भी आप डेट्स यूज़ कर रहे हैं एकदम सॉफ्ट वाले डेट्स यूज़ करिए। वैसे मैं इसे थोड़ा और चॉकलेटी बनाने के लिए डार्क चॉकलेट यूज़ कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे लिंट की चॉकलेट यूज़ की है। आप कोई भी अपनी फेवरेट अच्छी क्वालिटी की डार्क चॉकलेट यूज़ करिए। अब ये जो मिक्सचर है आइसक्रीम बेस वाला, हम उसे एक सॉस पैन में डालेंगे और बिल्कुल धीमी आँच पर हमें इसे कुक करना है 4 से 5 मिनट के लिए। आप इसे कॉन्स्टेंटली स्टर करते रहें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो ओट्स है उसकी एक टेंडेंसी होती है वो बिल्कुल नीचे चिपक जाता है। इसलिए अगर आप स्टर नहीं करेंगे तो शायद आइसक्रीम अच्छे से नहीं बनेगी। हमें इसे बहुत ज़्यादा कुक भी नहीं करना है, बेसिकली हल्का सा वॉर्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये थोड़ा थिकन हो जाएगा। ये देखिए, दिस इज़ ऑलरेडी स्टार्टिंग टू थिकन। अब एट दिस स्टेज मैं इसमें डालूँगी चॉकलेट। चॉकलेट डालते ही गैस बंद कर लेना है। सो जो मिक्सचर की वॉर्म्थ है वो चॉकलेट को ऑटोमेटिकली मेल्ट कर देगी एंड उसके बाद आपकी आइसक्रीम का बेस और भी ज़्यादा चॉकलेटी हो जाएगा। तो बस मैंने यहाँ पे गैस बंद कर लिया है और हम इसे गैस से निकाल लेंगे। ये आइसक्रीम का बेस बनाना काफ़ी आसान था ना, मैंने आपको कहा था कि बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली थिकन हो गया है, ये लुक्स परफेक्ट। बस अब हम इसे गैस से निकाल के ठंडा करेंगे। हमें इसे बिल्कुल ठंडा करना है रूम टेम्परेचर तक। चॉकलेट और कॉफ़ी, दिस इज़ अ मैच मेड इन हेवन। इसलिए मैं अपनी चॉकलेट आइसक्रीम को और भी ज़्यादा यमी बनाने के लिए इसमें कॉफ़ी डाल रही हूँ। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। आप थोड़ी सी इंस्टेंट कॉफ़ी को पानी में मिक्स करके बेसिकली ये चॉकलेट का जो बेस है इसमें डाल लीजिए। ये ऑप्शनल है, ये कंपलसरी नहीं है। अगर आप इसे स्किप करना चाहते हैं प्लीज़ स्किप कर लीजिए। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब ये जो आइसक्रीम बेस है वैसे ये काफ़ी ठंडा हो गया है। जैसे ही ये रूम टेम्परेचर तक आ जाए उसके बाद हमें इसे फ्रीज करना है। दिखने में काफ़ी परफेक्ट लग रहा है। अब यहाँ पे मेरे पास है एक एल्यूमिनियम टिन। आप कोई ग्लास कंटेनर में इसे सेट कर सकते हैं, बेसिकली कोई भी कंटेनर में आप इसे फ्रीज कर सकते हैं। जब भी आप कोई भी आइसक्रीम को फ्रीज करें उसके ऊपर एक क्लिंग फिल्म लगाना ज़रूरी है। बेसिकली जो आइसक्रीम का सरफेस है इस पर टच करते हुए ये क्लिंग फिल्म लगानी है। ऐसा करने से जो आइसक्रीम है उसमें आइस क्रिस्टल्स कम बनेंगे और आपकी आइसक्रीम और भी ज़्यादा स्मूथ और क्रीमी बनेगी।
अगर आपको ये नहीं करना है तो एटलीस्ट कोई ढक्कन वाला कंटेनर यूज कर लें। अब 5 से 6 घंटे तक इसे फ्रीज करना है, या फिर आप कुछ लंबे समय तक भी कर सकते हैं। मुझे करीबन 6 घंटे लगे हैं मेरी इस आइसक्रीम को फ्रीज करने के लिए, एंड ट्रस्ट मी, इन द लॉन्गेस्ट टाइम ये डेफिनेटली वन ऑफ माई फेवरेट रेसिपी है। आई कांट वेट टू स्कूप दिस। और ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट स्कूप ऑफ आइसक्रीम यहाँ पे मेरे पास रेडी है। ट्रस्ट मी, ये आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। इसे खाने में आपको बहुत मज़ा आएगा। इनफैक्ट आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें कोई क्रीम नहीं है और ये शुगर फ्री है। मैंने इससे थोड़े से टोस्टेड आलमंड्स और मिंट लीफ के साथ सर्व किया है। आप इसे कोई भी नट्स के साथ सर्व कर सकते हैं। ये आइसक्रीम रेगुलर आइसक्रीम से थोड़ी सी ज़्यादा अलग है टेक्सचर में, ओनली बिकॉज ऑफ ओट्स, लेकिन आई एम श्योर आपको बहुत मज़ा आएगा। तो आप भी इसे ट्राई करिए, बनाइए और एंजॉय। आपके रोज के खाने को यमी और इजी बनाना, यही मेरा मिशन है। अगर मेरी सारी रेसिपीज पसंद आ रही है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है, डू कमेंट ऑन इट, लाइक इट एंड शेयर।